साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 3 साइंस चैप्टर 1.4 एनिमल स्मॉल एंड बिग। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा था बड़े जानवर छोटे जानवर के बारे में। तो इसकी पढ़ाई के क्रम में हम लोगों ने पढ़ा था लेग्स एंड टेल्स के बारे में। उसका लेग्स एंड टेल्स के बाद से हम लोगों ने पढ़ा था क्रीप क्रॉल और फ्लाई के बारे में। फिर इंसेक्ट्स हाइड के बारे में जाना था। फिर हम लोगों ने जाना था इंसेक्ट नेचर के बाद से हम लोगों ने जाना था आपके बर्ड्स के बारे में, बर्ड्स के आईज फीदर विंग्स इन सब के बारे में जाना था। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि बर्ड साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, और हम लोगों ने बर्ड के क्लाउज के बारे में जाना था और माइग्रेशन ट्री बर्ड्स के बारे में जाना था। और हम लोगों ने कीवर्ड जो है वह पढ़ाई की थी कीवर्ड की पिछले वीडियो में। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। यह आपका क्वेश्चन आंसर है 1 का A, व्हाट आर द शेप ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का क्या शेप होगा। इसके लिए हम लोग पहले पेज नंबर पे जाते हैं। इसका पहला जो पेज है इस चैप्टर का, उसमें शेप ऑफ एनिमल के बारे में दिया हुआ है। द शेप एंड साइज ऑफ एनिमल वेरी एज वेल एज देयर हैबिट एंड हैबिटेट। तो जानवरों के शेप और हैबिट होते हैं वो अलग अलग होते हैं अलग जगह के अनुसार। तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, आप टिक आउट कर लीजिएगा। द शेप से लेकर के आपका हैबिटेट तक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। पहला के में ये आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट आर द यूज़ ऑफ टेल्स इन एनिमल्स, जानवरों में पूंछों की क्या उपयोगिता होती है, पूंछ से वो क्या कार्य करते हैं, ये आपको लिखना है। लेग एंड टेल्स में इसमें दिया है टेल के बारे में क्या लिखा है उसको मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। टेल इज अनदर इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट ऑफ एनिमल, एनिमल यूज टेल फॉर डिफरेंट पर्पस। तो ये आंसर कंसेप्ट पूरा नहीं कर रहा है। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या लिख रहे हैं। इसका आंसर काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। अगर देखें तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो बी के आंसर में आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको छोटा कराने के लिए वो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वही उसी को आंसर में लिख देंगे तो हम लोग का छोटा हो जाएगा। टेस्ट से लेकर के और पर्पस तक आप लिख दीजिएगा, हो जाएगा बी नंबर का आंसर। सी नंबर है व्हाई डज इंसेक्ट हाइड, इंसेक्ट छिपते क्यों हैं। इंसेक्ट हाइड करके आपको मैंने बताया था, ये देखिए इंसेक्ट हाइड है। तो इसका पहला ही लाइन इसका आंसर हो जाएगा। मोस्ट स्मॉल एनिमल आर वेरियस स्मॉल एनिमल्स हाइड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज एंड कोल्ड, ठंड से या अपने दुश्मनों से बचने के लिए जानवर छिप जाते हैं। हाइड होने का कारण उनका यही होता है। उसके बाद है आपका व्हाट आर इंसेक्ट हार्मफुल, सॉरी हाउ आर इंसेक्ट्स हार्मफुल, इंसेक्ट किस तरह से आपका नुकसान पहुंचाता है इसके बारे में पूछा गया है। तो इंसेक्ट जो होते हैं देखिए आपके कुछ इंसेक्ट जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं उसके बारे में दिया है। तो ये तो छोटा नहीं कह सकता, इसमें बहुत बड़ा दिया हुआ है, वैसे ही आपको याद लिख करके याद करना पड़ेगा। सम क्रिस्पी क्रॉवल फ्लाई हार्मफुल फॉर अस, दे बाइट एंड मेक अस किल। चलिए अब छोटा में भी इसको लिख सकते हैं, डी का आंसर 1 का D में यही हो जाएगा। सम से लेकर के
मई का इनू तक हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ए से लेकर डी तक का क्वेश्चन आंसर हो गया। अगला वीडियो आपका जो बनेगा उसमें ई से लेकर जे तक हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को जैसा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।